मेरे को हाय मालूम दोस्तों, नमस्कार। मैं दामोदर राव और आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद रिदम म्यूजिक स्टूडियो में आज कुछ गाना जो इमरजेंसी गाना था, मतलब ज़रूरी गाना था, वो मुजफ्फरपुर में राम कृष्ण धाम पे एक वहाँ पे श्री यज्ञ राम होने जा रहा है, श्री राम कथा श्री यज्ञ राम कथा होने जा यज्ञ रहा है यज्ञ, तो वो ज़रूरी था इसलिए क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हम लोग भी लगभग 30 तारीख तक बंद ही कर दिए हैं। ये इमरजेंसी में किया गया, जिसके मुख्य व्यवस्थापक संस्थापक गीतकार है। गीतकार हरिश्चंद्र जी आए हुए हैं और साथ में आई हुई हैं प्रियंका मौर्या जी। जी सभी को प्रणाम नमस्कार। जी और प्रणाम जी तो हम भी जी कर जी रहे हैं। और साथ में बहुत ही अच्छे टैलेंटेड कलाकार आए हुए जी हैं, नमस्ते। अमीन शायनी जी, हाँ मतलब आप ही उन सब अच्छी जी मतलब उनकी आवाज़ को बखूबी निकालने वाले आती सब अच्छी आतिश अवस्थी जी। मैं इनको मतलब कि आज लगभग 8 साल से जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप लोगों को भी कभी ज़रूरत पड़े तो इनको आप फ़ोन करके बुला सकते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ धन्यवाद। है। और महाभारत में जो बोला गया है और अमीन सैनी बोलते हैं, तो कई टाइप की आवाज़ों को कई आवाज़ में निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आवाज़ निकालने के साथ, क्या आप दो लाइन सुनना चाहेंगे? हाँ सुनाते हैं, अभी अभी स्टार्टिंग हुई है। तो इनका नाम है आतिश अवस्थी। इसके पहले भी 5-6 साल पहले कई बार इन्होंने ये काम किया है, मतलब संवाद बोले हैं। आज भी जो मुजफ्फरपुर में रामकृष्ण धाम राम के कृष्ण लिए धाम पर जल रही है आ, आ, जी उसके लिए आज गाना मुजफ्फरपुर से। अभी हुआ, जो रिकॉर्ड हुआ उसके लिए आज रिकॉर्डिंग हुआ, गाना भी हुआ। संजोग से मेरा भी गाना एक हुआ और प्रियंका मौर्या गाई, हरिश्चंद्र जी गाए, जो गीतकार हैं, गाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ये, वैसे हैं गीतकार। और आतिश अवस्थी जी जो बहुत अच्छा उसका संवाद बोले, जो गानों के पहले भी आएगा और बाद में आएगा। देखिए कमेंट बहुत सारा आ गया है। पंडित राकेश जी कह रहे हैं मुझे बुलाइए, रंजीत कुमार जी, सिंगर राकेश सिंह, रॉक्स, रंजन शाह कुछ जी, तो रिप्लाई तक करते नहीं है पंडित राकेश बहुत जी। सारा कमेंट आ। लेकिन फेसबुक के माध्यम से सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज है 17 मार्च, 17 मार्च है, 17 मार्च है। 17 मार्च फेसबुक के माध्यम से हम सेलिब्रिटी लोग का, जो विशेष लोग हैं देश के, उनके जन्मदिन को मैं विश करता हूँ। तो ये विश करने वाली बात नहीं है, लेकिन आज भारत की बेटी कल्पना चावला का आज जन्मदिन है। क्या बात है, वाह क्या वाह बात। और कल्पना चावला एक ऐसी ऐतिहासिक हस्ती हस्ती है जिनका नाम लेकर गर्व भाव फील विभोर होता हो है। जाता है आदमी। भारत की वीरांगना उनका जन्म हुआ था आज 17 मार्च 1962 को, 1962 में 17 मार्च को कल्पना चावला का जन्म हुआ था। और 1 फरवरी 2003 में जब वो आ रही थी अंतरिक्ष से, तो अंतरिक्ष पर ही, धरती से 40 किलोमीटर ऊपर ही ब्लास्ट कर गया, वो देश के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति हुई। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि ऐसी ऐसे लोग धरती के धरोहर होते हैं, ऐसी लड़कियां, ऐसी वीरांगनाएं जो इस देश के लिए, धरती के लिए कुछ कर गुजरती हैं, और वो तारों में खो गई, उनको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। ये देश कभी उन्हें नहीं भूलेगा। आप लोग भी ध्यान रखिए, कल्पना चावला एक बहुत बड़ा नाम है जिनका आज ही के तारीख 17 मार्च 1962 को जन्म हुआ था। और वो अंतरिक्ष में ही पूरी परिक्रमा करने के बाद आ रही थी, लेकिन किसी कारणवश वो ब्लास्ट कर गया अंतरिक्ष ऊपर ही, उतरने के 15 मिनट पहले मात्र। हम लोग दिल्ली में थे उस समय, ये 2003 की बात है। तो हम सभी मिलके उनके आज जन्मदिन पे उनको हम नमन करते हैं। बहुत सारा कमेंट आ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। दिव्या गीता जी, हाँ दिव्या गीता मौर्या, सिंगर दिव्या गीता जी, थैंक यू, धन्यवाद। साथ ही अपना जो देश जो है स्थिति में चल रहा है, जो बहुत ही दुखदाई बात है जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, अभी पूरा देश, पूरी दुनिया संकट में है कोरोना वायरस से। आप सभी देख रहे हैं, जी संतोष उपाध्याय जी, सुधीर प्यारे जी, सारा चीज बंद हो चुका है इंडिया में। आज मुंबई में लोकल ट्रेन आज बंद होने वाली थी, लेकिन यहाँ की गतिविधि देखकर
बंद नहीं किया गया, क्योंकि बंद होने का मतलब है कि बहुत मामला बिगड़ जाता, मुंबई बंद जी संजीव कुमार झा, इसलिए बंद होने का ऐलान करके फिर रोक दिया गया। मेट्रो भी बंद होने वाला था से, लेकिन रोक दिया गया। फिर भी इसके अलावा मुंबई के सारे स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, जितने जिम सेंटर जो भी है, सब 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। और मुंबई में 144 धारा लगा दिया गया है। बिहार में भी 6 जिलों में, जहाँ तक मुजफ्फरपुर भी उसमें आता है, और गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा, सब जगह 44 लगा हुआ है। मतलब 144 के मतलब कि 4 से 5 आदमी कहीं भी एकत्रित होके नहीं रह सकते हैं, बात कर सकते हैं। और देश में कई सारी कानून नियम को लगाया जा रहा है। अभी रतलाम में टिकट प्लेटफॉर्म का टिकट आज से 50 रुपया इसलिए कर दिया गया है कि वहाँ भीड़ ज़्यादा नहीं हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक आदमी स्टेशन पे जाता है और 5 लोग उनके साथ जाते हैं। इस भीड़ को कम करने के लिए ध्यान में रख के अनामिका जी देख रही हैं, थैंक यू सुदीश कुमार। तो 50 रुपया कर दिया गया है, मैंने देखा था, पेपर में भी आया है। और महाराष्ट्र में आज फिर एक आदमी की आज कोरोना वायरस से मौत हो गई है। बहुत दुखद बात है, क्योंकि ये हमारी आपकी लापरवाही ही है। इसमें ध्यान देना है, शक के दायरे में नहीं आना है, नहीं होना है, घबराना नहीं है। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन लापरवाही करेंगे तो बड़ा चीज है। अपने सतर्क रहिए, कहीं भी हाथ मत मिलाइए। आज भी हम लोग हाथ नहीं मिलाए, रिकॉर्डिंग तो हम लोग बंद कर दिए हैं, लेकिन ये जरूरी था, एक धार्मिक स्थल के लिए एक यज्ञ जो हो रहा है वहाँ राम कथा, इसलिए जरूरी था, इसलिए समय निकाल के हम लोग सेफ भावना से सैनिटाइजर लगा के हाथ में हैंड वॉश से हाथ धो के और आज रिकॉर्डिंग किए हैं। सतीश जी आए हुए हैं, आतिश जी, आतिश अवस्थी जी, श्री हरिश्चंद्र जी, चंगा मौर्या भी आज 2-3 गीत गाई। आज कमल धमाली भी आए थे, वो भी गाना गाए, अभी आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आज मैं पहली बार सर का इतना खूबसूरत शब्द मैं गाई हूँ और आपके साथ भी गाई हूँ, तो ये बहुत मतलब होता है ना, दो सेलिब्रिटी मतलब बहुत बड़ी हस्ती के साथ काम करना, ये ऐसा नहीं है। ईश्वर करे कि आप खुद सेलिब्रिटी बन जाए और लोग आपके साथ गाकर गर्व महसूस करें। और एक दिन आएगा, बशर्ते आपके अंदर वो सादगी, ईमानदारी, कर्मठता होनी चाहिए और रियाज जारी रहे, तब वो दिन दूर नहीं है कि आपको बुलाने के लिए हम लोगों को समय लेना पड़ेगा। अरे सर, तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए, आप ऐसे ही बुलाते ही रहते। आज जो है ये अपना देश जो है, मुझे गीत याद आ रहा है, शायद खानदान, कन्यादान फिल्म का है या खानदान का, कि बड़ी देर भाई नंदलाला तेरी राह तक है ब्रजवाला, खानदान का जी, खानदान का, कि संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन जो गीता में जो तूने दिया, तेरे बिन कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह। तो हे प्रभु, हे ईश्वर, आप कोई चमत्कार कीजिए ताकि अपना भारत देश जो है ना, बड़ा आध्यात्मिक देश है, यहाँ ऐसा होना शोभा नहीं दे रहा है, बहुत खल रहा है, ग्लानी हो रही है कि कहाँ कमी है, कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हम ही लोग में है, जो हमारे और देशों की बात ही, भारत देश भी उस सख्ते में आ गया है। एक दोहा बोल देता हूँ, लाइए सामने रखिए, एक दोहा बोलिए। मित्रों, आप सबको प्रणाम, और मैं तो गीतकार हूँ, कवि हूँ, तो मैं दो शब्द यही कहना चाहता हूँ, रे सहन शक्ति का बांध नहीं टूटेगा, क्या बात, रे सहन शक्ति का बांध नहीं टूटेगा, नाविक के कर से डर नहीं छूटेगा, रे सहन शक्ति का बांध नहीं टूटेगा, नाविक के कर से डर नहीं छूटेगा, सौखंड फूट जाए दिगंत टकरा कर, सौखंड फूट जाए दिगंत टकरा कर, लेकिन भारत का भाग्य नहीं फूटेगा, लेकिन भारत का भाग्य नहीं फूटेगा। मित्रों, यह भारतवर्ष साक्षात देवभूमि है, जहाँ राम और कृष्ण देह धर कर आए थे, और यहाँ जल्दी कुछ भी अशुभ नहीं होता है। और ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जहाँ राम कृष्ण अवतरित हुए थे वह भूमि है, ये उस भूमि पे भी हम लोगों ने जन्म लिया है, इससे गौरवान्वित बात और कुछ हो नहीं सकता है। तो अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, और
हाथ मिलाने के बाद साबुन से हाथ धोइए, और जहाँ ज़रूरत ज़्यादा ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। मुश्किल से 15 दिनों की बात है, 15 दिनों में ये गर्मी आ जाएगी, और ईश्वर करे कि गर्मी के साथ ये वायरस ख़त्म हो जाए, और हो ही जाएगा। कई जगह यज्ञ हो रहा है इस कोरोना वायरस को हटाने के लिए, बहुत जगह अलर्ट, बड़ा व्यवस्था किया जा रहा है हर जगह। सब जगह सिनेमा हॉल सब बंद हो गया, मॉल बंद हो गए, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया है, ताकि भीड़ ना हो। सरकार ने भी कई योजनाएं चालू की है इसके लिए। हम चाहेंगे कि आतिश जी कुछ बोले और अपने दर्शकों को, अपने मित्रों को अपनी आवाज़ से कुछ थोड़ा सा मनोरंजन करें, थोड़ा अमीन सहनी की आज से 25 साल पहले वाली बात थोड़ा सा याद दिला दें, थोड़ा मिजाज। और साथ ही रामकृष्ण धाम जो है मुजफ्फरपुर में, वहाँ यज्ञ होने जा रहा है, जो किस तारीख से है? 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल से वहाँ पे यज्ञ होगा, राम कथा होगी। अगर आप उधर अगल बगल में हैं तो संपर्क करके जा सकते हैं, समय निकाल करके, क्योंकि बड़ी मुश्किल से समय निकालना पड़ता है आजकल, किसी के पास समय नहीं है। तो जब तक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालिए, प्रेम कर लीजिए श्री राम से, तो समय निकालना पड़ता है, समय किसी के पास है नहीं। तो आतिश अवस्थी जी कुछ रूबरू होइए और अपने दर्शकों से थोड़ा सा। सबसे पहले तो आज सबको नमस्ते, और वैसे तो मैं एंकर के हिसाब से, एक होस्ट के हिसाब से, एक वॉइस ओवर के हिसाब से वॉइस ओवर का काम करता रहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक्टिंग भी करता हूँ। तो कोरोना वायरस पर हम लोगों का फेसबुक पर बहुत बढ़िया इन्होंने कोरोना वायरस पर एक शॉर्ट स्टोरी बनाई है, शॉर्ट स्टोरी जिसको मैंने देखा, और उसमें खुद ये कोरोना के मरीज बने, मरीज बनो, पेशेंट, और आप पहचान नहीं पाएंगे, लग रहा है कि सही में आ गई आदमी, गंवार आदमी है, हम सही में नहीं पहचान, हम तो बीमार आदमी है। बाद में जब आए आप इंट्रोडक्शन किए, कमाल हो गया, ये तो हमारा अपना स्टार आदमी है जी। फील किया मैंने कि मुझे कोरोना हो गया, बहुत अच्छी, फर्स्ट टाइम बुला के लाए थे, याद है ना, बहुत अच्छा टैलेंट आर्टिस्ट है ये, मतलब ऐसा मरीज बने थे कि वाकई लगा कि भगवान न करे कि इनको ऐसा हुआ है। 18 एपिसोडों में सब मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं, और सब मैसेज वाले कैरेक्टर्स। माफ कीजिएगा, बहुत लोगों का मैं नाम, बहुत का किसी का भी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हम लोग बाद में फिर बात करेंगे। सतीश जी कुछ सुनाइए आप। तो हमारे भाईंदर के धर्मेश तरैया जी, और उनका ये फेसबुक पर चैनल चलता है, उसमें जितने भी एपिसोड बनते हैं 2.5 मिनट से लेकर 3.5 मिनट के, हर एपिसोड में कुछ एक मैसेज होता है, जैसे कुछ मैंने नेगेटिव करेक्टर भी किए हैं, कहीं मुंबई का डॉन बना हूँ, दुबई से आ रहा हूँ, बम ब्लास्ट की वो है, ये सब मैसेज वाले हैं, तो उसमें मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ, कहीं मैं पेशेंट बना हूँ, और कहीं भाई भाई की जो हेल्प करते हैं तो उसमें अपना घर द्वार तक बेच देते हैं भाई की हेल्प के लिए, उसमें एक पेशेंट अलग बना हूँ, तो एक अलग अलग करेक्टर्स के। लेकिन जो 18वां एपिसोड जो हमारा हुआ था, उसमें मैंने कोरोना का पेशेंट बना, और बाद में मैसेज दिया कि आप लोग इससे घबराएं नहीं और सतर्क रहें, हाँ सच, सिर्फ सावधानियाँ बरतें, और जो सावधानियाँ जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से रेडियो और टीवी पर बतलाई जा रही हैं, उन सावधानियों को ध्यान से सुने और उन पर अमल करें, और एहतियात बरतें और सुरक्षित रहें। तो ये मेरा मैसेज था कोरोना वायरस का 18वें एपिसोड पर। एक और हम लोगों ने बनाया 19वां, वो जल्द हम भी रिलीज करने वाले हैं। चलिए अमीन सहनी वाला कुछ जो है ना, भाई हमारा 80 के दशक का कुछ वही अंदाज, वही फिल्मों के राम त्रिवंगा। अच्छा, तो आज के ही माहौल के बारे में बोल लेता हूँ। तो भाई और बहनों, नमस्ते बहनों भाइयों, आज बेहद खुशी की बात है कि हमारे गीतकार हरीश चंद जी ने, और हमारे दामोदर भाई और प्रियंका जी, ऐसे सिंगर्स के साथ मुझे राम कथा यज्ञ के अवसर पर जो कमेंट्री है बोलने का, प्रचार में बोलने का मौका मिला है, तो आज मैं बेहद खुश हूँ। मगर थोड़ा सा जो कोरोना वायरस का जो माहौल चल रहा है, उस वजह से थोड़ा दुखी भी हूँ, और बस आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि हमारा भारत देश कोरोना वायरस से सुरक्षित रहे, और आप सब एहतियात बरतें, यानी सावधानियाँ बरतें, और बस इससे ज्यादा क्या कहूँ, सारी बातें तो इससे ज्यादा तो आपको अभी कहना है कि अमीन सहनी वाला थोड़ा सा चाहिए को मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम लोग भी बचपन में बड़ा बोलते थे, लेकिन हम लोग तो ऐसे नॉर्मल गानों का नाम ले समय का। तो बहन और भाइयों, मैं आपका दोस्त, अब उनका अपने गुरु का नाम ले रहा हूँ, मैं उन्हीं के नाम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। तो नमस्ते बहन और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। वो जमाना था हमीद सयानी साहब का,
जबकि बिना का गीतमाला का प्रोग्राम सिर्फ आधे घंटे का आया करता था और उन दिनों बिना का गीतमाला इतनी हिट भी नहीं हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता बिना का गीतमालों को लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई और जरूरत आन पड़ी एक ऐसे नौसिखिया कलाकार की जो न सिर्फ बिना का गीतमालों को मिलने वाले खतों को पढ़े जांचे बल्कि यहाँ तक कि लोगों के द्वारा किए गए सवालों के जवाबों को भी उन तक पहुँचा सके। भाई क्या है कि अपने गुरु का डायलॉग और उन्हीं के नाम के साथ बोलने में जरा घबरा रहा हूँ, उन तक मेरी आवाज पहुंच गई तो बोले भाई ये मेरा नाम कैसे लेकर बोल रहा है, क्या बात है, इसलिए माफी चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों को अगर जो पुराने जमाने मतलब नहीं 80-90 के दशक के जो सुने होंगे बिना का गीत माला कार्यक्रम तक चली थी, बिना का नहीं 80 उसके बाद सिवा का हो गया। अच्छा, फिर बाद सिवा का हो गई और अभी 86-90 तक चलती आई थी। हाँ, अमीन सैनी फिर उनके और भी प्रोग्राम है, सितारों की महफिल वगैरह वगैरह प्रोग्राम चल रहे थे उनके, और बाद में उनके आपके जैसे कई कलाकार जन्म ले लिए बोलने वाले, तो उनका भी दाल रोटी बढ़िया से चलता है आजकल, जितना ये FM जो है सब उन्हीं का थोड़ा सा तोड़ मरोड़ अमीन साहब की वजह से आज मेरा किचन चलता है और स्टेज प्रोग्राम वगैरह में। और खुश मैं ऐसे धुरंधर लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि जिनके चलते देखिए ऐसे कलाकारों की दाल रोटी मतलब किचन चलता है, घर परिवार चलता है, ऐसे लोग धरती पे आए। कमल दमाली जी अभी आज गाना गाए, कमल दमाली जी क्या कहना चाहेंगे रामकृष्ण परम धाम के, रामकृष्ण धाम के बारे में? रामकृष्ण धाम का भजन प्रोग्राम भजन गाय ये हुआ, लोकगीत रिकॉर्डिंग हुआ और उसमें मैं भी गाया और बहुत अच्छा गाना हुआ है, और गुरुजी ने गाया, बहुत सारे लोग दमोदर साहब ने गाए और प्रियंका जी भी गाई, सब मिल के गाए हैं और बहुत अच्छा हुआ है गाना बजाना। अति समस्ती जी ने बहुत बढ़िया संवाद जी, धन्यवाद। साथ ही मैं इस फेसबुक के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखिए भीड़ पूरा सरकार जो है पूरी सरकार पूरा देश चाह रहा है कि कहीं पर भीड़ इकट्ठा ना हो, 144 तो लगा है हुआ ही है, साथ में आज से मुंबई की सिद्धि विनायक मंदिर में ताला लगा दिया गया है, मुंबा देवी में ताला लग गया है, साई शिरडी वाले बाबा के मंदिर में आज से बंद कर दिया गया है श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए, और कलकत्ता में काली माता का मंदिर और रामकृष्ण परमहंस मिशन मठ जो है उसको भी आज लगभग बंद कर दिया गया है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो, सारे धार्मिक स्थलों को भी जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है उसमें रिक्वेस्ट करके भक्तों से बंद कर दिया गया है ताकि भीड़ ना हो और कोरोना वायरस बस कुछ दिनों की बात है। आप लोग अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं तो बस सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए और इसको दूर भगा देना है, क्योंकि जरा सी लापरवाही हुई तो आपकी एक गलती से ये लाइन लग जाएगा और कहां से कहां जाएगा, क्योंकि अभी अपने देश में 128 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, ये चाइना से उत्पन्न हुआ चमगादड़ से ये बीमारी कोरोना वायरस वहां से चला और वहां लगभग आज 4,500 लोग वहां मर गए हैं, ये बहुत दुखद बात है। उसके बाद दूसरे नंबर पर 1400 लोग इटली में मर गए, फिर ईरान में भी 700 लोग मर गए हैं, अभी सबसे ईश्वर की बड़ी कृपा है कि सबसे कम अपने भारत में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ और भगवान करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि और मुझे विश्वास है कि ये ऐसा अब नहीं होगा, अब ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, गर्मी आते ही और सतर्कता बरत भी रहे हैं सब लोग, आप कहीं भी जाइए मास्क लगा के जाइए और सैनिटाइजर साथ में रखिए, मिल रहा है मार्केट में, और कहीं भी कुछ खाना है पीना है मिलना जुलना है तो हाथ में लगा लीजिए, साबुन की तरह नहीं है और तेल की तरह पे आइए तो जरूर हाथ धोइए, बिना हाथ धोए आप आंख नाक मुंह में होली मत ले जाइए, ये बहुत सावधानी बरतनी है ताकि कोई गड़बड़ नहीं, आपकी एक गड़बड़ से हमारे गड़बड़ी से क्या हो सकता है और हमारी सतर्कता से पूरा देश बच सकता है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग खुश रहे, सुरक्षित रहे और सावधानियों पर ध्यान दें, यही रिक्वेस्ट है आशा से जी, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।